मराठी में एक कहावत है कि गांव जो कर सकता है वो राव यानी राजा नहीं कर सकता। यही कारण है कि ग्राम सभा को लोकतंत्र का सबसे बुनियादी रूप माना गया है। सातारा जिला के पाटन तहसील का मान्याचीवाड़ी गांव इस बात का उदाहरण है कि गांव ने एक बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर लिया तो उसके लिए हर कार्य संभव है। क्षेत्र और आबादी के हिसाब से गांव छोटा है, लेकिन ये गांव अब तक 60 पुरस्कार जीत चुका है। ये गांव अब ग्रामीण विकास के अध्ययन केंद्र के रूप में माना जाता है। ग्राम पंचायत की स्थापना होकर मात्र 20 साल होते हुए भी इस गांव ने ग्राम विकास के पर्याप्त कार्य किए हैं। इस ग्राम पंचायत ने सरकार के हर फैसले को लोगों तक पहुंचाने और गांव के विकास के लिए ग्राम सभा को मजबूत किया। सभी ग्रामीण अनायास ही ग्राम सभा में उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसलिए ग्राम विकास एक जन आंदोलन बन गया है। ग्रामीणों ने स्वच्छता को सेवा माना है। हर घर में शौचालय है, हर घर में सौर ऊर्जा की निर्मिति की जाती है और हर घर में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी होता है। गांव में नवजात शिशु का और नई नवेली दुल्हन का स्वागत वृक्षारोपण से किया जाता है। जब कोई ग्रामीण इस संसार को छोड़ चला जाता है तो उसके नाम पर विदाई के रूप में भी एक पेड़ लगाया जाता है। इतने छोटे से गांव में ग्राम पंचायत का प्रशासन पेपरलेस है। ग्राम सभा की उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। ग्राम पंचायत ने बिजली बिल ऑनलाइन कर महाराष्ट्र का पहला गो ग्रीन विलेज होने का सम्मान भी अर्जित किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए सौर ऊर्जा गतिविधियों को लागू करके मान्याचीवाड़ी गांव को राज्य के पहले सौर ग्राम का खिताब भी मिला। सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सीवेज और ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। करीब 2 एकड़ क्षेत्र में सीवेज के पानी पर 200 के करीब फलों के पेड़ लगाए गए हैं। इससे गांव की आमदनी भी शुरू हो गई है। कुल 25 घरों में बायोगैस का इस्तेमाल होता है। एकता का चमत्कार दिखाने वाले इस गांव की आबादी महज 400 है। हरित ग्राम, सौर ग्राम, गो ग्रीन विलेज, पर्यावरण विकास रत्न ग्राम जैसे बहुत सारे किताब गांव के नाम हो चुके हैं। सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। गांव के युवाओं ने हाल ही में एक कॉन्सेप्ट लागू किया है। उन्होंने पंछियों के लिए चारा पानी उपलब्ध कराकर गांव में पंछियों की संख्या बढ़ाई है। ऐसे समय में जब मनुष्य कांक्रीटी विकास के पीछे भाग रहा है, प्रकृति के साथ संबंधों को तेजी से मजबूत कर रहा यह गांव लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस तरह काम करते रहेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है।